अभी आपकी खिदमत में पेश है क्राइम टुडे न्यूज। माशरे की खामियों को, सरकारी महकमों की लापरवाही को उजागर किया जा रहा है। मैं मोहम्मद यूनुस, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की जानिब से अवेयरनेस का प्रोग्राम रखा गया, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। नाजरीन, विजिलेंस अवेयरनेस वीक प्रोग्राम के तहत यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की जानिब से गोलकुंडा केंद्रीय विद्यालय स्कूल में ये अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया। इन लोगों का कहना है कि बच्चे जो देश का मुस्तकबिल है, इनमें मुल्क में जो करप्शन फैला हुआ है उससे वाकिफ कराना और उसकी रोकथाम के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया देश के कोने कोने में ये प्रोग्राम चलाना चाहता है ताकि बच्चे करप्शन जैसे नासूर से मुकाबला कर सके और उससे बचे रहने का सीखे। वाज़े रहे नाज़रीन, इस प्रोग्राम में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी मौजूद थे। शेख वाहिद के साथ मैं शाहिद हुसैन, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। मेरा नाम शिव कुमार मौर्य है, मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की मेहंदीपट्टनम शाखा में मुख्य प्रबंधक के रूप में कार्यरत हूँ। आज विजिलेंस अवेयरनेस वीक के आयोजन के उपलक्ष्य में हम लोग केंद्रीय विद्यालय गोलकुंडा नंबर 1 में उपस्थित हैं, जहाँ की हमने छात्र छात्राओं के साथ एक आयोजन किया है जिसमें कि हम लोग विजिलेंस अवेयरनेस वीक के उपलक्ष्य में बच्चों के अंदर और बाकी सभी समाज के सभी वर्गों के अंदर जागरूकता पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। ये विजिलेंस अवेयरनेस वीक के भारत सरकार के निर्देशानुसार यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भारत के कोने कोने में आयोजित कर रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में हमने आज का आयोजन यहाँ पे गोलकुंडा केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 पे किया है, क्योंकि करप्शन जो है हमारे समाज के लिए एक बहुत ही बड़ी बाधा पैदा करता है। ये अमीर और गरीब के बीच में खाई को और चौड़ा करता जा रहा है, इसीलिए इसका मैसेज छोटे बच्चों में जाएगा तो वो चूँकि भारत के भविष्य हैं, कल के नागरिक हैं, तो उनके अंदर अगर हम इस तरह की जागरूकता अभी से पैदा करेंगे तो वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की उनमें और ज़्यादा मादा पैदा होगा, ये मेरा मानना है। चूँकि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भारत के हर कोने में अपनी सहभागिता निभा रहा है, उसका बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेशन है इस अभियान को आगे बढ़ाने में, इसलिए हमने भी एक छोटा सा प्रयास किया है कि आज हम यहाँ पे एकत्रित होकर अपने विचार के द्वारा बच्चों में जागरूकता पैदा करें और समाज, ताकि ये हमारा मैसेज समाज के हर वर्ग में जा सके बच्चों के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से भी। तो हमारा यही प्रयास है कि आज के बाद हम लोग इस तरह का संकल्प लें कि भ्रष्टाचार को न तो हम बढ़ावा देंगे और न भ्रष्टाचार को सहन करेंगे। तो हमारा यही संकल्प होना चाहिए, यही संकल्प हमने आज अपने सभी उपस्थित लोगों के बीच भी किया है और मैं अपेक्षा करता हूं कि हमारे इस प्रयास से समाज में ज़रूर थोड़ा परिवर्तन आएगा और हमारा निरंतर प्रयास रहेगा कि हम आगे भी इस प्रकार के आयोजन करके समाज में अपना योगदान देते रहेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम श्री बालकृष्ण राव है, केंद्रीय विद्यालय नंबर गोलकुंडा के प्रधान अध्यापक हूँ मैं। आज हमारे विद्यालय में K1 गोलकुंडा में विजिलेंस अवेयरनेस वीक का प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मेहंदीपट्टनम शाखा के उनसे संयोग से एक कार्यक्रम किया जा रहा है। ये कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि समाज को ये मैसेज भेजना है कि ये करप्शन के अगेंस्ट में लोग को जागरूक करना है थ्रू द स्टूडेंट्स। हम बच्चों के साथ, बच्चों के दौरान, बच्चों के थ्रू में ये मैसेज हम समाज को देना चाहते हैं कि बच्चे जाकर के अपने पेरेंट्स को बताएंगे और पेरेंट्स अपने सोसाइटी में करेंगे। इस तरीके से ये मैसेज हम सोसाइटी में पहुँचाने का कोशिश कर रहे हैं और मैं सभी नागरिकों से ये आग्रह करूँगा कि ये करप्शन के खिलाफ अपना आवाज़ उठाना चाहिए। शुक्रिया। सच की तलाश का नाम आपका अपना क्राइम टुडे न्यूज़।